नहीं चाहती है इस तरह का माहौल। आईसीसी को खत भी लिखेंगे, आवाज उठाएंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे। विजुअल्स निहायत खराब, जीत हार होती है मैदान में। इमोशनली थोड़ा अपने आप को काबू में रखना चाहिए। आई थिंक कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। दुनिया का बेस्ट रिहैब सेंटर यहाँ बनाने लगे हैं पाकिस्तान में, दुनिया के बेस्ट मशीन्स लेके आनी है। आजकल के डे एंड एज में क्रैम्प्स जो हैं वो अनफॉरगिवेबल है एथलीट के साथ। जैसे ये आएंगे डॉक्टर्स, इनकी जवाब तलबी जरूर होगी। बाबर आजम चार मैचेस में फॉर्म नहीं कर पाए, बड़े प्लेयर हैं, उनसे कोई बात करेंगे बिग फाइनल से पहले? एशिया कप में फाइनल है श्रीलंका के खिलाफ, कोई बात करेंगे आप? मैं अपना रिकॉर्ड देखता हूँ और बाबर आजम का देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगा। वो इंडिया जो नीचे गया है वो मॉडल को सेट ही नहीं होने दे रहे। पोजिशन आपकी स्ट्रांग है, आप होल्ड करें और जीतते जाए मैचेस। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आपने देख ली है माशाल्लाह से। ये टीम की अब फैंस इसको ओन करते हैं और आपको पता है कि ये लड़के मैच हारेंगे, हार्ट अटैक्स बहुत देते हैं, सो इनको थोड़ा सा कॉम का ख्याल करना चाहिए। मगर जिस तरह से जोड़ दिया इस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक हमारी सक्सेस स्टोरी है और इनको जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। कल जो इंसिडेंट हुआ है अफगानिस्तान के मैच में, स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी, बहुत से ऐसे विजुअल्स हैं कि इवन कि उनको देखा नहीं जा रहा कि इतने वो, और ये पहली दफा नहीं हुआ, तकरीबन तीसरी दफा हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेटफॉर्म से कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगा आईसीसी या एसीसी के सामने? जी बिल्कुल। देखिए हुलिगनिज्म जो है वो क्रिकेट के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ये बड़ी एक एक तरह से आपकी तबीयत ख़राब होती है और ये क्रिकेट नहीं चाहती है इस तरह की, इस तरह का माहौल। सो हम आईसीसी को ख़त भी लिखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे, क्योंकि विजुअल्स निहायत ख़राब थे और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपकी सही ऑब्जर्वेशन है और जीत हार होती है मैदान में। ग्रोलिंग कॉन्टेस्ट था, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था। इमोशनली थोड़ा अपने आप को काबू में रखना चाहिए आई थिंक, क्योंकि माहौल अगर नहीं होगा आपका तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस क्रिकेट प्लेइंग नेशन। सो बिल्कुल खत लिखेंगे और अपनी कंसर्न शो करेंगे, क्योंकि हम ओन करते हैं फैंस को। हम कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। सो इसका जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करके और प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। आज आईसीसी की जानिब से जो उसका शेड्यूल जारी किया है प्रैक्टिस मैचेस का, उसमें फिर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच रख दिया गया है, तो इस हवाले से तो क्या प्रोटेस्ट करेंगे कि इस मैच को चेंज किया जाए? वर्ल्ड कप का प्रैक्टिस मैच, देखिए वो तो मुझे पता नहीं है चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, वो कोई टूर्नामेंट तो नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि हम अपनी एंग्विश, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे आईसीसी से, जो वहाँ पर एक तूफान बदतमीजी हुआ था। रमेश भाई, अब तो पहले कहा जाता है हमारी टीम में 2-3 मैच विनर है, अब तो ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी मैच विनर है, तो फाइनल तक पहुंच चुके हैं, अब तो क्या फाइनल देखने के लिए जाएंगे वहां पे? जी मैं जाऊंगा। असल में मैं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो मेरे से क्रिकेट देखी बहुत कम जाती है, और जब आपने सब कुछ एक तरह से फ्लेवर कर लिया होता है, यू नो आपके नाम लोग जानते हैं आपको, मुझे कैमरा अटेंशन कम चाहिए, इसलिए शायद आप लोगों से मैं कम बात करता हूँ, अपॉलोजीज। इसलिए कि मेरा सिर्फ जो एक मैं हमेशा से जो प्रिंसिपल, जब से मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे आया हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट जीतेगी वो मेरी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी ग्रो होगी, आपकी फैंस ग्रो करेंगे, इन प्लेयर्स को इज्जत वो हम देंगे और वो देते रहेंगे, और फाइनल में जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी वर्ल्ड कप करीब है और हमारे काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए हैं, मतलब शाहीन की मिसाल सबसे पहले है, तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारा मेडिकल पैनल है वो प्लेयर्स की लुक आफ्टर सही तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी सारी इंजरीज आ रही हैं मैच के दौरान भी, अब उसको लंदन भेज दिया है रिहैब के लिए, तो जो यहाँ पर NHBC के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैनल्स हैं, वो किस तरह से प्लेयर्स फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, एक सवाल रखें, देखिए आपका अच्छा सवाल है, इसलिए कि जैसे ही ये टीम वापस आएगी हम दुनिया का बेस्ट रिहैब सेंटर यहाँ बनाने लगे हैं पाकिस्तान में और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से हो जानी थी और ये नहीं हुई है। सो हमें जैसे हम कोचेस की तलाश करते हैं सारी दुनिया में और उसके ऊपर हम
टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह से हमें अब दुनिया के बेस्ट रिहैब डॉक्टर्स मशीन्स लेके आनी है ताकि कोई किसी को और सारी स्पोर्ट्स के लिए वो फ़ायदेमंद होगा उसका। सो आपका पॉइंट ठीक है। असल में शाइन की इंजरी जो हुई थी वो एक्सेसिव क्रिकेट से नहीं हुई है, उसने डाइव मारा हो और देखें ये मुश्किल है यूएई में, यहाँ पे आपको क्रैम्प्स भी आएंगे क्योंकि ये नॉन क्रिकेट सीजन है। ये आपकी जो क्रिकेट होनी चाहिए है वो तो आपकी फरवरी मार्च अप्रैल में होनी चाहिए यूएई में, ये तो गर्म सितंबर जो है वो कोई सीजन नहीं है खेलने का। मगर आपका पॉइंट ठीक है कि हमें इसकी बेहतर प्लानिंग और ट्रेनिंग करनी है। क्रैम्प्स क्यों है, आजकल की डे एंड एज में क्रैम्प्स जो हैं वो अनफॉरगिवेबल है एथलीट के साथ, उसके साथ आप एसोसिएट नहीं करते हैं क्रैम्पिंग अप। तो इसके ऊपर जैसे ही आएंगे डॉक्टर्स इनकी जवाब तल भी ज़रूर होगी। बाबर आजम चार मैचेस में फॉर्म नहीं कर पाए, बड़े प्लेयर हैं, उनसे कोई बात करेंगे बिग फाइनल से पहले, एशिया कप में फाइनल है श्रीलंका के खिलाफ, कोई बात करेंगे आप? मेरी दो दिन पहले, एक दिन पहले बात हुई है। सो देखिए उनको बताना, मतलब मैं अपना रिकॉर्ड देखता हूँ और बाबर आजम का देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगा। वो खैर क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ तो शायद, बट देखिए मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने सीखा है ना, ये 13 सितंबर को एक साल हो जाएगा, उसका अगर मैं आपको फिलॉसफी बताऊँ ना वो ये है कि आप बिल्कुल हैंड्स ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्योंकि कई दफ़ा आप ये समझते हैं क्योंकि आपने क्रिकेट खेली हुई है तो आपको हर चीज़ में दखल अंदाजी करनी है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको पता है कि आपने क्रिकेट हवाले कर दिया किसी की, तो फिर आपकी उनकी आप अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हैंड्स ऑफ हूँ, बट इंडिया के मैच से पहले मैंने सारी टीम से जूम कॉल भी की थी, उनको इनकरेज भी करता हूँ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि यू नो इंडिया से मैच जीतने के लिए क्या चाहिए, और बात सारी यही है कि लड़ते रहें, कंपेटिटिव रहें। बाबर आजम की देखें, ये T20 जो है ना, ये एक बड़ा एक फास्ट फॉरवर्ड और बड़ा रिलेंटलेस किस्म का ये एक फॉर्मेट है। सो अगर आपकी फॉर्म जाती है तो फिर आपको रीगेन करने में टाइम लगता है, मगर ज़रूरत ही नहीं है उनको कुछ सोचने की क्योंकि ग्रेट प्लेयर है। सो बात तो हुई थी कि रिगार्डिंग कि बिल्कुल पॉइंट यही था, बाकी डिस्कशन और हो रही थी, पॉइंट सिर्फ ये था कि डोंट इवन थिंक दैट यू आर आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो फाइनल में इंशाल्लाह मुझे पता है वो करेंगे स्कोर। रमीज भाई 13 सितंबर को आपने बता दिया कि साल एक साल हो जाएगा, टीम की परफॉर्मेंस भी शानदार है, जब जीती है तो वज़ीर आज़म का भी ट्वीट आ रहा है, वज़ीर दाखिला का भी, सबका आ रहा है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं और क्या आप समझते हैं कि अभी भी कोई साजिशें जारी हैं जो आप कहते हैं कि अभी टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा, क्या साजिशें हैं या आपको मैं बताऊं जी कि नहीं नहीं टाइम थोड़ा सा मुराद ये है कि मुझे 24 घंटे में 48 काम करने हैं, मेरी स्पीड जो है ना वो ये है क्योंकि मेरे पास आइडियाज हैं। मुझे जब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी था तो मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारी जो एक एग्जीक्यूशन टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज यूर आइडियाज का आदमी हो तुम। सो यहाँ पे अब मेरे पास टीम अच्छी है तो हम एक्सिक्यूट चीज़ें कर सकते हैं, मगर ये जो आपकी परफॉर्मेंस है ना, ये कोई आपको 3 साल की ज़रूरत नहीं है चीज़ें अचीव करने के लिए, ये बड़ी जल्दी एक फिक्स हो सकती हैं चीज़ें। आपने देख लिया ये टीम की, आपने रैंकिंग्स देख ली है, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं माशाल्लाह से, टचवुड मतलब लड़ते हैं, आपको एक कोई न्यूक्लियस दिख रहा है। बल्कि इनफैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान को आप कंपेयर करें, लोग कहते हैं जी आप वही टीम खिलाते रहते हैं, आप इनको इंजर्ड कर देंगे, आप ये कर देंगे। पॉइंट मेरा कहने का है ये कि हमने एक सिचुएशन को संभाला, हम जीत रहे हैं, उस मॉडल को मैं क्यों चेंज करूं, एक विनिंग मॉडल को क्यों चेंज करूं। इंडिया जो नीचे गया है वो मॉडल को सेट ही नहीं होने दे रहे हैं, इतनी चेंजेस कर रहे हैं, उनका पूल ऑफ प्लेयर्स भी शायद ज़्यादा है, उनको इंक्लूड करके वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब तक कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा नहीं होता है आपको एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सो पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, आप होल्ड करें और जीतते जाए मैचेस। सो साजिशों का मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बोलती है। मैंने पहले आपसे कहा था जब ये यहाँ पे हेडलाइन लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने कि जी आज गए तो कल गए तो परसों गए, सो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जैसे आपको पता है मेरा एक करियर था जो कि चल रहा था, तो मुझे एक इंच का इसका फ़र्क नहीं है। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं करती है, और वो पड़ेगा वेदर आई एम बींग द चेयरमैन और नॉट अ चेयरमैन, क्योंकि जिसने क्रिकेट खेली हुई है ना उसके दिल में दर्द होता है, और दिल में दर्द होगा आपका भी होगा तो ये गेम ऊपर जाएगी, हम इमोशनल होना पड़ेगा हमें।